नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शिवशंकर सूर्यवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। साथियों, आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही खास, बहुत ही बेहद ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम ग्लोबल फाइनेंशियल हेल्प कम्युनिटी, जो एक अनोखी मदद प्रणाली है, इस मदद प्रणाली को थोड़ा सा अलग ढंग से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो ज़रूर देखिए, और अभी अगर आपको समय नहीं है तो वीडियो बंद कर दीजिए। जब भी आपको समय मिला डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो साथियों, अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी अपडेटेड वीडियोज़ मैं इस मदद प्रणाली के बारे में बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और वीडियो के अंत में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो साथियों, ये मदद प्रणाली क्या है, इसमें कैसे हमें मदद मिल सकती है और इस मदद प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले देखिए साथियों, इस मदद प्रणाली का उद्देश्य बहुत ही साफ है, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को इस मदद प्रणाली में शामिल करना और हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को इस मदद प्रणाली से मदद मिलाकर देना। ये मेन मोटो है, ये मेन मकसद है इस ग्लोबल फाइनेंशियल हेल्प कम्युनिटी का। अब इसमें करना क्या है साथियों, हमें बस लोगों की मदद करनी है और उसके बदले में हमें भी मदद मिलने वाली है, क्योंकि मदद प्रणाली का नारा है खुद की मदद के लिए दूसरों की मदद करें। जी हाँ, खुद की मदद के लिए दूसरों की मदद करें। अब मदद करना है तो क्या करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे हम औरों को मदद भी करने वाले हैं, हमें भी मदद मिलने वाली है। और यहां पे जो मदद की हम बात करते हैं वो डायरेक्टली फाइनेंशियल मदद की बात होती है, क्योंकि यहां पे आप भी औरों को फाइनेंशियल मदद करने वाले हैं और आपको भी आर्थिक रूप में मदद मिलने वाली है। अब देखिए, पैसा कौन नहीं चाहता, पैसा तो हर किसी को चाहिए, पैसा तो हर किसी को चाहिए, क्योंकि पैसों के बारे में कहा जाता है कि पैसा भगवान नहीं लेकिन माँ कसम भगवान से कम भी नहीं, पैसा भगवान नहीं लेकिन माँ कसम भगवान से कम भी नहीं। और ये पैसे कमाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं दोस्त, थोड़ा सा अगर हम सोचें ना, तो कुछ लोग सिर्फ 4-5 हज़ार के लिए पूरा महीना कहीं पर जॉब करते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए कितने रिस्की काम करते हैं, जैसे बिजली के खंभे पर चढ़कर काम करना, ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़कर प्लम्बिंग का काम करना, इलेक्ट्रिशियन का काम करना, पेंटिंग का काम करना, या फिर कड़ी धूप में रोड पर पत्थर तोड़ने का काम करना, या फिर गंदगी साफ करने का काम करना। देखिए, काम कोई भी बुरा है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है और लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ लोग तो अपना घर संसार सब छोड़कर, अपना देश छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं यही पैसा कमाने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल फाइनेंशियल हेल्प कम्युनिटी के माध्यम से हम लोगों की मदद करके पैसा कमा सकते हैं, हम लोगों की मदद करके हमें भी मदद मिलवा के दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, यहां पे हम दो प्रकार की मदद करते हैं। सबसे पहला, हम जो यहां पे 650 रुपए देते हैं ना, क्योंकि इस मदद प्रणाली का हिस्सा बनना है तो हर किसी को कम से कम 650 रुपए तो मदद के तौर पर देना है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ लोग ये इन्वेस्टमेंट प्लान समझने की भूल करते हैं कि भैया हमने चलो 650 रुपए दिया, इन्वेस्ट किया, बैठ गए, अब मुझे इनकम आता रहेगा। नहीं दोस्त, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट बेस्ड प्लान नहीं है जहाँ पे आपको कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, नहीं, कुछ नहीं है, ये अलग सिस्टम है, पहले इसको जान लीजिए। ये एक मदद प्रणाली है, इसमें हम जो 650 रुपये देते हैं ये मदद के तौर पर देते हैं, ये मदद के तौर पर देते हैं, और ऐसी मदद जो हम एक बार देते हैं दोबारा वापस कभी नहीं लेते हैं। ध्यान से सुनिए, जो एक बार हम देते हैं दोबारा वापस कभी नहीं लेते हैं। अब अपनी आम लाइफ में, निजी ज़िंदगी में ऐसा कभी होता है क्या, क्या हमने अब तक किसी को ऐसी मदद की है जो कभी वापस ना लिया हो, या फिर हमें किसी ने ऐसी मदद की है जो उसने कभी वापस ना लिया हो? ऐसा तो होता नहीं है। हम मदद अगर कर भी देते हैं तो वापस चाहते हैं, अगर हमें कोई मदद कर भी देता है तो वो भी वापस चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो हम मदद करते हैं ना, ये ऐसी मदद करते हैं जो हम एक बार देते हैं वापस कभी नहीं चाहते हैं,
और मिलता भी नहीं है। लेकिन उसी के कारण, इस किए हुए मदद के कारण, आपको भी यहाँ से सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपयों की जो मदद आने वाली है, वो भी आपको लाइफ में कभी किसी को वापस करना नहीं है, रिटर्न देना नहीं है। ये इस मदद प्रणाली का ताकत है। तो सबसे पहले इस मदद प्रणाली में शामिल होने के लिए हमें जो 650 रुपये की मदद करनी है, ये एक तरीके से हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, मदद दे रहे हैं। ओके, अब ये हुआ एक नंबर का काम, यानी हमें पहला काम तो ये करना है कि यहाँ पे 600 रुपये की मदद, 650 रुपये की मदद करके, औरों को मदद करके इस सिस्टम में शामिल करना है। लेकिन ये मदद करके इसमें आईडी लगाकर आप बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि चलो यार, मैंने तो 650 की मदद की है, अब मेरा काम हो गया, अब बस मुझे पैसा आना चाहिए, मुझे मदद आनी चाहिए। तो साथियों, क्या आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं गलत सोच है? देखिए, अगर पैसा कमाना हो ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, लोग अलग अलग तरीके का काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। और एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, इस मदद प्रणाली में जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को मदद तो मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ने एक ग्लोबल टीम का स्ट्रक्चर बनाया है। ग्लोबल टीम में क्या होता है, पूरे हिंदुस्तान से जितने भी लोग जुड़ते हैं, चाहे किसी के भी द्वारा हो, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, हर किसी के द्वारा, पूरे हिंदुस्तान से जितने भी लोग जुड़ते हैं, सिस्टम द्वारा सीनियरिटी के हिसाब से टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, दो का मैट्रिक्स बनाया जाता है 21 लेवल तक। यानी हर किसी के डाउन में दो 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 आईडी लगाए दिए जाते हैं, और जिसकी बदौलत इस सिस्टम में 650 रुपये की मदद करके शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति को 3,43,800 की मदद मिलनी तय है। ये मान के चलिए, आप इस सिस्टम में आए हैं तो आपको ये पैसा मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल, स्टेप बाय स्टेप, लेवल वाइज। और उसी के साथ साथ हर किसी के 207 आईडीज रीबर्थ होनी ही होनी है, और इस रीबर्थ का फायदा आपको भी और औरों को भी होना ही होना है, ये तो डेफिनेट है, ये तय है। लेकिन साथियों, बस हमें अब ये समझना है कि भैया, सिस्टम अगर हम सभी लोगों के लिए इतना चाहता है, तो इस सिस्टम का प्रचार एवं प्रसार भी करना अपनी जिम्मेवारी है ना। देखिए, मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आज के रेट में हिंदुस्तान की आबादी की बात करें, तो लगभग 140 करोड़ प्लस लोगों की आबादी है, 140 करोड़ प्लस। अब मान लीजिए किसी एक ज़रूरतमंद इंसान को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो मदद के लिए गुहार लगा रहा है, अगर उसे पैसा नहीं मिला तो हो सकता है वो अपने लाइफ में कुछ गलत कर बैठे। अब ऐसे सिचुएशन में साथियों 140 करोड़ लोगों में से मात्र अगर 1 करोड़ लोग भी सामने आते हैं, और हर कोई सिर्फ 1-1 रुपया की भी मदद करता है ना, सिर्फ 1-1 रुपया, तो भी उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपीज़ मदद के तौर पर मिलता है, 1 करोड़ रुपए मदद के तौर पर मिलते हैं। यह होती है मदद की ताकत, यह होती है कम्युनिटी की ताकत, यह होती है क्राउड की ताकत। लेकिन अब इन 1 करोड़ लोगों तक मैसेज भी तो पहुंचाना ज़रूरी है, इन 1 करोड़ लोगों तक मैसेज भी तो पहुंचाना ज़रूरी है। वो पहुंचाएगा कौन? उसके लिए तो टीम वर्क ज़रूरी होता है ना। क्योंकि देखिए, जितने ज़्यादा लोग, अब इस 1 करोड़ में से मान लीजिए 10 लाख लोगों ने ही 1 रुपये की मदद की, तो 10 लाख, 1 लाख लोगों ने ही 1-1 रुपये की मदद की, तो 1 ही लाख मिलेंगे। लेकिन 1 करोड़ लोगों ने अगर 1-1 रुपये की मदद की, तो 1 करोड़ मिल सकते हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लीजिए कोई किसान है और वो अपनी खेती अच्छी तरीके से करना चाहता है, और खेती करने के लिए उसे पानी की ज़रूरत है, लेकिन पानी नहीं है उसके पास। अब वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि यार, मैं एक कुआँ खोदूँ, कुआँ। अब कुआँ वो खोदना शुरू कर देता है, बहुत अच्छे तरीके से गहराई तक कुआँ लेकर जाता है। अब मान लीजिए उस कुएँ में एक ही झरना लगा है जहाँ से पानी आ रहा है। अब साथियों, एक झरना लगने से पानी ज़्यादा आएगा या फिर ज़्यादा झरने लगने से पानी ज़्यादा आएगा? जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा झरने लगेंगे उतना पानी ज़्यादा आएगा। अब ये दो एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल हेल्थ कम्युनिटी में भी जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन होंगे, जितनी अपनी कम्युनिटी बढ़ेगी, उतना ही हर किसी का फ़ायदा होने वाला है।
उतना ही हर किसी को, क्योंकि इस एग्जाम्पल में एक ही व्यक्ति को ये मदद जा रही है, लेकिन यहाँ पे हर किसी को मदद जाने वाली है, जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को। आज जो किसी और को मदद और की मदद करके आ रहा है, उसको भी मदद आने वाली है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, अपनी कम्युनिटी बढ़ाना है, इस मदद प्रणाली को हिंदुस्तान के हर घर तक लेकर जाना है और हर एक व्यक्ति को इस मदद प्रणाली में शामिल करना है, ताकि इस मदद प्रणाली का भी जो उद्देश्य है कि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को फ़ायदा हो, वो सफल हो, और आपका भी जो उद्देश्य है कि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आना चाहिए, वो भी सफल हो। ये दोनों चीज़ें तभी हो सकती है जब आप हम मिलकर इस मदद प्रणाली का जोरों शोरों से प्रचार एवं प्रसार करें और हर एक व्यक्ति को इस मदद प्रणाली में शामिल करें। यानी पहला तो काम हमें 650 रुपये की मदद देकर औरों की मदद करके इस मदद प्रणाली में शामिल होना है। ये पहला काम हमने लोगों की मदद की, और दूसरा काम यहाँ पे हमें ये करना है कि यहाँ पे हमें अपनी ज्वाइनिंग बढ़ानी है, टीम बढ़ानी है, लोगों को इसमें शामिल करना है। क्योंकि साथियों, जितने ज़्यादा लोगों को हम इसमें शामिल करेंगे, तभी तो अपनी कम्युनिटी बढ़ेगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि भैया मैंने 650 रुपये देकर ज्वाइन हो चुका हूँ, अब मेरा काम हो गया, और अगर मान लो सिस्टम में जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति अगर यही सोचेगा, मान लीजिए सिस्टम में जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति अगर यही सोचेगा, तो फिर ये कम्युनिटी आगे बढ़ेगी कैसे, कम्युनिटी में लोग शामिल होंगे कैसे, और फिर लोग शामिल नहीं होंगे तो फिर ये ग्लोबल टीम से मिलने वाली मदद हर किसी को मिलेगी कैसे, क्योंकि सिस्टम तो देने के लिए तैयार है, सिस्टम ने तो प्लान डिज़ाइन किया है, अब सिर्फ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना अपना काम है। इसलिए इस मदद प्रणाली में शामिल होकर हमें सिर्फ दो काम करने, पहला काम 650 रुपये की मदद औरों को करना है, ये पहला मदद हो गया, और दूसरी मदद यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करने में मदद करनी। अब मदद भी देखिए, लोगों को हम जो ज्वाइन करते हैं ना, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ अपनी कम्युनिटी बढ़नी चाहिए इसके लिए नहीं, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम जिनको ज्वाइन कर रहे हैं ना, हम जिनको इस मदद प्रणाली में शामिल कर रहे हैं, हम भी तो ये चाहते हैं ना कि उनको भी ये मदद मिले, उनका भी फायदा हो, राइट। यानी हम सामने वाले व्यक्ति का भला सोचकर इस सिस्टम में ला रहे हैं, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, कम्युनिटी का भी भला होगा, इस सिस्टम में जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति का भला होगा। क्योंकि ये 343,800 का जो इनकम है ना, जो मदद है ना, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कितने ज़्यादा लोग काम करते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ साथियों, हमेशा देखिए, दो फैमिली हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली वन और फैमिली टू। अब पहले प्रकार की फैमिली में, एक नंबर की फैमिली में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं, और इसमें से 9 लोग माइनस यानी घर में बैठ कर खाने वाले हैं, और बस एक व्यक्ति मेहनत करने वाला है, काम करने वाला है, पैसा कमाने वाला है। और वही दूसरी फैमिली, इसमें भी 10 लोग रहते हैं, लेकिन इसमें 9 लोग कमाने वाले हैं और एक ही व्यक्ति घर में बैठकर खाने वाला है। अब सोचिए दोस्तों, दोनों फैमिली में 10-10 फैमिली मेंबर्स रहते हैं, लेकिन फ़र्क इस बात का है कि यहाँ पे 9 लोग बैठकर खाने वाले हैं, एक व्यक्ति मेहनत करके कमाने वाला है, और यहाँ पे 9 लोग मेहनत करके कमाने वाले हैं, एक व्यक्ति बैठकर खाने वाला है। तो आप मुझे बताइए, कौन सी फैमिली की तरक्की होगी? जाहिर सी बात है, टाइप 2 की फैमिली, जहाँ पे ज़्यादा लोग मेहनत करने वाले हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग पैसा कमाने वाले हैं और कम लोग बैठकर खाने वाले हैं, ऐसी घर की तरक्की ज़्यादा होगी, यहाँ बल्कि इस घर की तरक्की नहीं होगी जहाँ पे ज़्यादा लोग बैठकर खाने वाले हैं। सेम उसी तरह साथियों, ग्लोबल फाइनेंशियल हेल्थ कम्युनिटी भी एक परिवार है, एक फैमिली है। अब इस फैमिली में आप, हम सब लोग, जो भी लोग जुड़ रहे हैं ना, ये हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। अब अगर हम बिना कुछ किए हमें मिलना चाहिए, ऐसी सोच अगर हम रखते हैं, बिना कुछ किए हमें मिलना चाहिए, तो ये सोच बहुत डेंजरस है आपके लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। क्योंकि सिस्टम ने तो आपको ये अलग सा बोनस टाइप ऑफ मदद दिया ही है कि भैया आप जो भी करेंगे ना, देखिए यहाँ पे आप जो काम करेंगे उसका डायरेक्ट इनकम आपको मिलने वाला है पर आईडी 100 रुपीज़। आप जितने भी लोगों को ज्वाइन करेंगे उसका 100 रुपीज़ पर आईडी इनकम आपको मिलने वाला है।
साथ में 21 लेवल तक आप जो टीम बनाएंगे उसका भी लेवल इनकम आपको मिलने वाला है। 21 लेवल 21 लेवल तक आप जो टीम बनाएंगे उसका भी लेवल इनकम आपको मिलने वाला है। साथ में आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करेंगे उस व्यक्ति से आपको स्पॉन्सर मैट्रिक्स इनकम भी मिलने वाला है। एक आईडी से 81,100 तक का बेनिफिट मिलता है। आप जितने लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करेंगे उनके जितने आईडी री एंट्री होंगी हर एक आईडी का री एंट्री का भी डायरेक्ट इनकम मिलता है। अब 207 आईडी एक व्यक्ति के री एंट्री होते हैं तो 100 रुपये के हिसाब से 20,700। आप जितने लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कर रहे हैं उनके ग्लोबल टीम में री एंट्री के भी आईडीज अगर लेवल उनके भी कंप्लीट होते हैं तो उससे भी आपको स्पॉन्सर मैट्रिक्स इनकम मिलने वाला है। यानी आप जो काम करेंगे ना, देखिए एक तो हमें एक सोशल एक्टिविटी समझकर काम करनी है क्योंकि ये मदद प्रणाली है। इस मदद प्रणाली में हम जितने ज़्यादा लोगों को शामिल करेंगे उनका भी फायदा होगा, अपना भी फायदा होगा और मदद प्रणाली में जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति का फायदा होगा। लेकिन सोशल एक्टिविटी के साथ साथ हमें पैसा भी मिलने वाला है जो हम मेहनत करते हैं उसका अलग अलग तरीके से, और साथ में ये भी बेनिफिट मिल रहा है। यानी हम और हमारी टीम जो काम करेगी उसका बेनिफिट अलग है और पूरे हिंदुस्तान से जो काम होगा उसका बेनिफिट अलग है जो हर किसी को मिलने वाला है। इसलिए माय डियर फ्रेंड बस आपको मुझे यही समझाना है, मदद प्रणाली का प्लान फैंटास्टिक है, बढ़िया है, ज़बरदस्त है। अगर आपने प्लान डिटेल में स्टडी नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर एक बार स्टडी कीजिए। बस यहाँ पे आप जो जुड़ते हैं ना, देखिए किसी भी काम में अपना कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशन। भैया मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप बहुत, देखिए बहुत जितना बड़ा आप काम करना चाहते कीजिए, लेकिन कम से कम चलो यार मैं इस मदद प्रणाली का हिस्सा हो चुका हूँ, मदद प्रणाली सभी लोगों के बारे में इतना अगर अच्छा सोचती है तो मेरा भी फर्ज, मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं कम से कम 2-4 लोगों को तो इसमें शामिल करवाऊँ, कम से कम 2-4 लोगों को तो इसमें शामिल करवाऊँ ताकि उनका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो और सिस्टम में काम करने वाले हर एक व्यक्ति का फायदा हो। ऐसा अगर हर कोई सोचेगा ना, हर कोई अपने दो चार मिनिमम लोगों को भी ज्वाइन करता है तो ये कम्युनिटी बढ़ती है। नहीं तो सोचिए आज कम्युनिटी में मान लीजिए 2000 लोग हैं और हर कोई बस यही सोच रहा है कि यार मैंने 650 रुपये की मदद की है, मेरा काम हो गया, तो अब ये कम्युनिटी आगे बढ़ेगी कैसे और हर किसी को इनकम आएगा कैसे। लेकिन वही अगर ये 2000 लोग सिर्फ एक छोटी सी पॉजिटिव सोच कि यार मैं इस कम्युनिटी में कम से कम मेरे माध्यम से मिनिमम पाँच लोगों को ज्वाइन करूँगा, कम से कम पाँच। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि पैसा कमाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स जो भी जान पहचाने वाले लोग हैं, कलीग्स हैं, नेबर्स हैं, उनको इस मदद प्रणाली के बारे में समझा रहे हैं। समझाने के लिए यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियो है, PDF है, जूम मीटिंग होती है आप उसमें लेकर आ सकते हैं, अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं। और नाम में ही छुपा है ग्लोबल फाइनेंशियल हेल्थ कम्युनिटी, और जहाँ से हर किसी को अगर ये शानदार बेनिफिट मिलने वाला है और वो भी मात्र 650 रुपये का प्लान, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्त आप बता कर तो देखिए कोई ना नहीं बोलेगा। तो ऐसे शानदार प्लान में अगर हम 5 लोगों को भी नहीं ज्वाइन कर पाते हैं मिनिमम, तो साथियों सच में सोचने लायक बात है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए 2000 लोगों ने अगर सिर्फ 5-5 लोगों को ज्वाइन करने का ठान लिया ना आने वाले एक महीने में, तो कम से कम अपनी 10,000 लोगों की कम्युनिटी बनेगी। अब 2000 लोगों ने जो 650 रुपये दिया था, लगभग 13 लाख ये लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इन 2000 लोगों के माध्यम से 5-5 ज्वाइनिंग होंगे, 10,000 लोग जुड़ेंगे, तो 10,000 लोगों से जो 650 रुपये आएंगे मल्टीप्लाई बाय करके, तो ये भी पैसा कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि सिस्टम यहाँ पे जो करता है ना साथियों, हिंदुस्तान का पहला ऐसा सिस्टम है जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यानी कोई एक व्यक्ति जो 650 रुपये देता है ना, उसमें से 400 रुपये ग्लोबल टीम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तुरंत और 250 रुपये सेल्फ टीम हेल्प में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तुरंत। यानी लोगों का पैसा लोगों में ही सिस्टम 100% डिस्ट्रीब्यूट करता है एक भी रुपया ना लेते हुए। तो सोचिए जो लोग जुड़ेंगे, जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होगा, जो मदद राशि यहाँ पे आएगी, वो मदद राशि लोगों को ही मिलेगी, हमें मिलेगी, अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को मिलेगी, इस कम्युनिटी में काम करने वाले लोगों को मिलेगी, तो फायदा तो हर किसी का हो रहा है ना।
इसलिए साथियों जाते जाते बस एक ही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस मदद प्रणाली को जानिए, समझिए। अगर आप सीरियस हैं, सच में अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाना चाहते हैं, तो लग जाइए काम पर और सिर्फ ऐसे ही लोगों को अपने साथ इस मदद प्रणाली में शामिल कीजिए जो ये दो प्रकार की मदद करना चाहते हैं। ज्वाइन तो होना चाहते हैं लेकिन साथ में अपने साथ कुछ लोगों को लाने की भी कैपेसिटी रखते हो, सोच रखते हो। हाँ, प्रयास करते करते कभी सफलता मिलेगी, कभी असफल होंगे, वो बात अलग है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, मैंने 650 रुपये दिया, मान लो वो अपने ऊपर उपकार ही किया है, उसने कुछ करेगा तो नहीं लेकिन फिर बार बार आपको परेशान करेगा, मेरा इनकम कब आएगा, मेरा लेवल कब कंप्लीट होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, एक महीना हुआ, डेढ़ महीना हुआ। खुद तो कुछ करेगा नहीं लेकिन परेशान करेगा आपको, और 650 देकर मानो वो आपके ऊपर एहसान किया है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, ऐसे लोगों को सिस्टम में ना ही लें तो बेहतर है। हमें सिस्टम में एक्टिवली काम करने वाले लोग चाहिए, इस सिस्टम का प्रचार एवं प्रसार करने वाले लोग चाहिए। इस सिस्टम को आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के हर एक राज्य, हर एक जिले, हर एक तहसील प्लेस, हर एक गांव में, हर एक घर में, हर एक घर के सदस्य तक लेकर जाने के लिए मेहनत करने वाले लोग चाहिए। और ऐसे मेहनती लोगों को अगर इनकम भी आता है ना, तो सिस्टम को गर्व महसूस होता है कि चलो यार, हमने जो किया वो अच्छा किया। लेकिन जो लोग सिर्फ 650 रुपये देकर बैठ रहे हैं, आपके ऊपर एंट कर रहे हैं, रुबाब कर रहे हैं, फिर ऐसे लोगों को सिस्टम इनकम देकर भी सिस्टम को लगेगा कि यार कैसे लोगों को हम इनकम दे रहे हैं, खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, हमें इस मदद प्रणाली में एक्टिवली काम करने वाले, यार कम से कम दो लोगों को तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है ना, अगर सच में पैसा कमाना है तो। देखिए, आज के डेट में आप लाइफ में पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे ना, चाहे आप जॉब कर रहे होंगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे होंगे, चाहे कुछ ना कुछ पैसा अर्निंग सोर्स कुछ ना कुछ होगा। देखिए, वहां पे भी ये सोच रख के देखिए, मान लीजिए आपकी दुकान है, आपने दुकान में एक 10-20 लाख का भांडवल लगाया, कैपिटल लगाया है, और आप सोच रहे हैं कि मैं दुकान कभी खोलूंगा ही नहीं, मैं धंधा कभी करूंगा ही नहीं, तो आपका घर कैसे चलेगा भैया। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब पर हैं, जो भी 5-10 हज़ार 10-20 हज़ार आपकी सैलरी है, 1-2 लाख जो भी है, और आप सोच रहे हैं कि मैं जॉब पर कभी जाऊंगा ही नहीं, मैं काम पर कभी जाऊंगा ही नहीं, मैं काम कभी करूंगा ही नहीं, तो भैया सैलरी मिलेगी, घर चलेगा, फिर वही सोच यहां पे क्यों, वही सोच यहां पे क्यों, यहां से भी तो पैसा आने वाला है, यहां से तो भी इनकम आने वाला है, यहां से भी तो आपकी जरूरतें और सपने पूरे होने वाले हैं। और उल्टा साथियों, यहां पे हमें कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ महीने ही मेहनत करना है। एक बार टीम सेट हो गई, डुप्लीकेशन शुरू हो गया, लोग आगे मूव करना शुरू हो गए, कम्युनिटी आगे बढ़ना शुरू हो गई, तो पैसे भी तो इनकम आने वाला है ना। और पैसिव इनकम का मतलब आपको पता है, आगे चलकर जब आपकी टीम बड़ी बनेगी, आप कुछ करेंगे नहीं करेंगे तो भी कुछ ना कुछ इनकम आते ही रहेगा। कभी लेवल इनकम आता रहेगा, कभी स्पॉन्सर मैट्रिक्स इनकम आता रहेगा, कभी री एंट्री का इनकम आता रहेगा, कभी ग्लोबल टीम का इनकम आता रहेगा, कभी आपके री एंट्री का इनकम आएगा, कभी आपके डायरेक्ट के री एंट्री का इनकम आएगा। भविष्य बड़ा उज्ज्वल होने वाला है दोस्त, बस उस उज्ज्वल भविष्य को बनाने के लिए आज हमें मेहनत करनी है। अगर जॉब लगवाना है ना, नौकरी भी करनी है ना, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी के 18 से 20 साल में पढ़ाई करनी पड़ती है, लाखों रुपए खर्चा करके पढ़ाई करनी पड़ती है, जॉब के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर जॉब लगता है, और जॉब लगने के बाद भी मेहनत करेंगे तब जाकर पैसा आता है। आप कोई बिजनेस डालना चाहते हैं तो लाखों करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है करना पड़ता है, इन्वेस्ट करके भी हर दिन शटर ओपन करके बैठना पड़ता है, अलग अलग तरीके के कस्टमर्स आते हैं, हैंडल करना होता है, कभी धंधा होता है कभी नहीं होता है, अप एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मात्र 650 रुपये हम किसी की मदद कर रहे हैं, साथ में लोगों के साथ गप्पे शप्पे मार रहे हैं, प्लान को प्रमोट कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जूम मीटिंग मिला रहे हैं,
लोग जुड़ रहे हैं, आगे काम हो रहा है और आपको इनकम आ रहा है, और वो भी आने वाले दिनों में करोड़ों रुपए में आप कमा सकते हैं, करोड़ों। एक कैलकुलेशन मैं आपको बताऊँ जाते जाते, देखिए एक आईडी में ग्लोबल टीम का हेल्प तो 343,800 आने वाला है एक आईडी में, लेकिन आपने 207, आपके 207 आईडी में तो री एंट्री होती हैं, और उस री एंट्री हुई हर एक आईडी में भी इनकम आने वाला है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, हो गया ना करोड़ों में इनकम। दूसरा, आप जो अपनी 21 लेवल तक टीम बनाने वाले हैं, सेल्फ टीम, 21 लेवल तक हमने देखा, 21 लेवल तक हम जो टीम बनाते हैं, यहाँ पे हमने देखा, इस 21 लेवल तक के टीम में आप अगर सिर्फ दो के मैट्रिक्स से काम करेंगे ना, मैं दो लोगों को ज्वाइन करूँगा, वो भी दो लोगों को, हर कोई दो दो लोगों को भी अगर ज्वाइन करता है ईमानदारी से 21 लेवल तक, तो कम से कम 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा। और अगर कोई 5 का मैट्रिक्स बनाता है ना, तो मात्र 10 लेवल में ही 7 करोड़ से ज़्यादा। साथियों, अगर करोड़ों में आपको पैसा यहाँ पे दिख रहा है, अब ये कैलकुलेशन है, इसका मतलब कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता है, गलत आप हम होते हैं, उसके ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो गलत आप हम होंगे, लेकिन कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता है। और अगर सच में हमें ये कैलकुलेशन अपने लाइफ में लाना है, ये बड़े आंकड़े अगर अपने लाइफ में आना है, तो साथियों उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। क्या आपको लग रहा है बिना कुछ किए सब कुछ होगा? नहीं होगा दोस्त, बिना कुछ किए सब कुछ नहीं होता है, इसलिए करना है। ये वीडियो मैं स्पेशली उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो आज तक अलग अलग कंपनी में ठोकरे खाकर आए हैं, जो आज तक अलग अलग कंपनियों में ठोकरे खाकर आए हैं, जिनका आज नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी भी सिस्टम के ऊपर का भरोसा उठ चुका है, जो आज तक सिर्फ सपने देखते आए हैं, असल लाइफ में कभी सपना पूरा हुआ ही नहीं है। आज तक उन्होंने सिर्फ कंपनियों को बड़ा किया, आज तक उन्होंने सिर्फ लीडर्स को बड़ा किया, लेकिन बेचारे खुद मेहनत कर करके मर गए। स्पेशली आपके लिए साथियों, दिल की गहराई से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मौका जो आपके लाइफ में आया है ना, इसको मिस ना करें। और आज तक आपने जितनी भी मेहनत की है ना अलग अलग कंपनियों में, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर मेहनत कीजिए, वो आपकी मेहनत आने वाले दिनों में ज़रूर रंग लाने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो स्पॉन्सर मैट्रिक्स इनकम दिया है ना, बहुत ही खतरनाक है। आप जो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे रहा हूँ ना प्लान का, देख लीजिए, एक डायरेक्ट व्यक्ति से आप 1,00,000 रुपये तक का बेनिफिट लेने वाले दोस्त। स्पॉन्सर इनकम 1,00,000 रुपये, प्लान है सिर्फ 650 रुपये का, लेकिन स्पॉन्सर इनकम 1,00,000, जादुई प्लान है, इसलिए तो कहा जाता है एक अनोखी मदद प्रणाली है, जिसमें मदद भी शामिल है, जिसमें इनकम भी शामिल है, जिसमें सपने भी पूरे होते हैं, जिसमें टीम वर्क भी होता है, जिसमें मोटिवेशन भी होता है, जिसमें नाम इज्जत शोहरत पैसा सब कुछ मिलने वाला है। बस आने वाले कुछ महीने आप ग्लोबल फाइनेंशियल हेल्थ कम्युनिटी को दीजिए, पूरी ज़िंदगी आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। तो बस साथियों, यही मैसेज आज के वीडियो में मैं आपको देना चाहता था। होप इस वीडियो का मकसद आपको समझ में आया होगा, मुझे क्या कहना है वो आपको समझ में आया होगा। और अब तक जो भी हुआ है या फिर जो लोग नए सुन रहे हैं, आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, आपकी शुरुआत ही अच्छी होगी, लेकिन जो पुराने लोग सुन रहे हैं ना, अब तक जो भी हुआ है भूल जाइए, आज आप ग्लोबल फाइनेंशियल हेल्थ कम्युनिटी में जुड़े हैं और कुछ कर दिखाना है, उस उम्मीद के साथ काम शुरू कीजिए, मैक्सिमम लोगों को कम्युनिटी में शामिल कीजिए, उनको भी सपोर्ट कीजिए और उनके माध्यम से भी टीम बढ़ाइए, ताकि हर किसी का हर तरीके से बेनिफिट हो। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपने पूरा देखा, धन्यवाद कहूँगा, लेकिन साथ में बधाई भी दूंगा कि सच में आप सीरियस हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल हेल्थ कम्युनिटी में आप कुछ ना कुछ कर दिखाना चाहते हैं, इसीलिए तो इतना समय निकाल कर आपने वीडियो देखा है, उस लिए बधाई। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, मेरा मकसद एक ही है, ऐसे अपडेटेड वीडियोस मैं हर एक दो दिन में बनाते रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, उस वीडियो का फ़ायदा आपको जल्द से जल्द हो। और डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जितने लाइक कमेंट करेंगे उतना मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो यार, लोगों को मेरा कंटेंट या फिर मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है। और डेफिनेटली ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, जितने भी आपके लोग इस कम्युनिटी में जुड़े हैं ना, उनको शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलना है कि दोस्त सिर्फ जुड़कर बैठना ये काम नहीं है कम्युनिटी में,
जुड़ना है और आगे इस कम्युनिटी को बढ़ाना है, ये मकसद है, और उसी का फ़ायदा यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है, ये उनको भी समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को के लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, जय सियाराम।